नमस्ते बच्चों, कल हम लोगों ने व्यवसायिक वातावरण के विषय में हल्का फुल्का समझा था। इस व्यवसायिक वातावरण वाले लेसन में व्यवसायिक वातावरण और भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्यवसायिक वातावरण, ऐसे दो लेसन दिए हुए हैं और ये लेसन जैसे ही कंप्लीट होते हैं वो आपका 16 नंबर के चैप्टर्स का कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि वातावरण जो है इसे हम शब्दों में या परिभाषा में नहीं बांध सकते होते। आप एक ग्राउंड में खड़े हो जाइए, अपने आसपास जहां जहां आप नजर लगाएंगे डालेंगे, वो हवा जो बह रही है, अभी वर्षा का मौसम चल रहा है, पानी जो गिर रहा है, बीच में उमस पड़ती है तो भीषण गर्मी पड़ती है, कोरोना चल रहा है तो लॉकडाउन भी लगता है, पुलिस डंडा भी मारती है। माने हमारी जहां जहां तक दृष्टि जाती है वो सब की सब वातावरण में शामिल कर लिया जाता है। माने वातावरण इतना व्यापक शब्द है, स्वाभाविक है। देखें आप, कल भी मैंने बताया था कि हर कंट्री का अपना अलग वातावरण है। अब आप देखिए, जैसे हमारा हिंदुस्तान है, यहां पर मल्टी कल्चर्स पॉपुलेशन है, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, शिक्षा भी बहुत है हमारे यहाँ पे, शिक्षा का स्तर बड़ी तेजी के साथ बढ़ा हुआ है, फैशन भी हमारे यहाँ पर है, रुचि, हम लोगों की स्वभाव जस्ट डिफरेंट है। अब आप जापान चले जाइए, सागर तट पे, हमारा भोजन और उनके भोजन में आप तुलना कर लीजिए, वो कच्चा भोजन करते हैं, वो मछली कच्ची खाते हैं, सलाद कच्चे खाते हैं, और आप देखिए हमारे यहाँ पर हर चीज स्वादिष्ट भोजन है, हम कच्चा भोजन वो स्वादिष्ट नहीं। तो हर देश का भी वातावरण अलग अलग होता है। अब हम मूल विषय में आए कि व्यवसायिक वातावरण क्या है। अब देखिए, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि इसी के अंदर प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए होंगे, उनको आपको नोट करना है। आपके पास पुस्तक है, आपके पास पिछले वर्ष की गाइडें भी होंगी, नहीं है तो व्यवस्था करिए। गाइडों से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भाषाएं बड़ी कठिन दी हुई है, हम आपको सरल भाषा में समझा रहे हैं, लेकिन उनसे हमारे को ये पता लग जाता है कि भाई कौन से प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछे गए, किन प्रश्नों की आने की संभावना है, तो उस हिसाब से हम तैयारी करते हैं। अब हम व्यवसायिक वातावरण क्या है इस पर अपना व्यू रखते हैं। व्यवसायिक वातावरण से आशय, व्यवसाय की वे समस्त घटनाएं और दशाएं और प्रभाव जो कि चारों ओर विद्यमान है और हमारे व्यवसाय को निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं। तो भी परिभाषा, जैसे भारत की जलवायु शीतोष्ण है, शीतोष्ण का मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ ठंडी भी पड़ती, गर्मी भी पड़ती और बरसात भी। यूरोप की जलवायु जो है
हमेशा वहां ठंडी पड़ती है, तो वहां बिजनेस अलग तरह से होगा, हमारे यहां बिजनेस अलग तरह से होगा। हमारे यहां पर पतले कपड़े भी पहने जाएंगे लेकिन वहां पर गर्म कपड़ों का ही यूज होगा। तो ये क्या हुई घटना, माने प्रभाव हुई या दशाएं हुई। अब घटनाओं पर आए तो आप इंडिया का उदाहरण ले लीजिए, यहां पर आतंकवादी एक आध दो घटनाएं होती है। पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, वहां नित्य आतंकवादी घटनाएं होती रहती है, अशांति। तो बिजनेस तो यहां का फलफूल रहा है, वहां पर बिजनेस फलफूल नहीं पा रहा है, कारण यही है। प्रभाव की बात करें तो प्रभाव, अब देखिए प्रभाव डालने वाले तो कितने सारे कारक निकल के आएंगे। सरकार भी बिजनेस पर प्रभाव डालती है। मूल्य, अभी जैसे डीजल की रेट्स बढ़ गए, इससे महंगाई बढ़ रही, तो ये भी प्रभाव जो है हमारे बिजनेस पर असर डालती है। इस तरीके से हमने व्यावसायिक वातावरण का अर्थ को ध्यान से पढ़ा। अब देखिए व्यावसायिक वातावरण जो है इसकी विशेषताओं पर अपन ध्यान देंगे। तो पहली विशेषता है कि यह माने नंबर एक पॉइंट आएगा। अब प्रश्न क्या बनेगा कि व्यावसायिक वातावरण की कोई चार या पांच विशेषताएं बताइए, ये प्रश्न बन गया। अब आंसर पे आ जाए, माने हम लेसन आपको पढ़ा रहे हैं तो साथ में सरल भाषा में आपको उसके आंसर भी बताते चल। तो पहली विशेषता है बेटे संपूर्णता, माने कहने का मतलब व्यवसायिक वातावरण में उन सभी शक्तियों को, दशाओं को और घटनाओं को शामिल कर लिया जाता है जो कि अनिश्चित होती है, जो हमारे बिजनेस को हमेशा प्रभावित करती रहती है। बस इतना लिखना है। नंबर दो पॉइंट में आ जाएं, विशिष्ट और सामान्य शक्ति। व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाली विशिष्ट शक्तियां जो हैं, उसमें हमारे ग्राहक आ जाएंगे, कच्चे माल के सप्लायर आ जाएंगे, ठीक है ना, और हमारे कंपनी के जो शेयर खरीदने वाले लोग हैं वो आ जाएंगे। ये हमारे विशिष्ट शक्तियां हुई। और सामान्य शक्तियों में हमारे देश का आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण माने हमारा रहन सहन, हमारी खरीदने की क्षमता, ये तमाम बातें आ जाएंगी, है ना, और राजनीतिक ये इसमें आ जाएगा। इसके बाद आएगा गतिशील प्रकृति। गतिशील प्रकृति का मतलब होता है गतिशील माने जो निरंतर चलते रहे। अब यहां पर लिखना क्या है आपको कि व्यावसायिक वातावरण एक गतिशील प्रकृति का होता है। कहने का मतलब वातावरण में नित्य नए परिवर्तन आते चले जाते हैं और उन परिवर्तनों को हमको ध्यान में रखते हुए हमारे व्यवसाय में भी वैसे ही चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अनिश्चितता। मैंने पहले ही बताया आप कि व्यवसाय, ये अगला पॉइंट है, माने पांचवा पॉइंट अनिश्चितता, कि व्यवसाय में व्यवसायिक वातावरण में अनिश्चितता पाई जाती है। देखिए रुचि है, फैशन है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी है, ये निरंतर परिवर्तित होती है, हमारे बिजनेस को भी प्रभावित करती है। इसके बाद अगला आता है जटिलता। जटिलता का मतलब क्या हुआ, कठिन, बहुत अधिक कठिन। तो जटिलता दो बिंदु डैश करके हम क्या लिखेंगे कि व्यावसायिक वातावरण व्यापक होता है और अनिश्चित होता है, इसलिए यह बहुत अधिक जटिल होता है। इसे हमें बहुत गंभीरता से समझ के अपने व्यवसाय को उस अनुसार अपने व्यवसाय में सुधार करना चाहिए।
इस तरीके से हमने छह पॉइंट दिए, बहुत होते हैं छह पॉइंट परीक्षा की पुस्तक से। अब देखिए व्यवसायिक वातावरण का महत्व प्रश्न बन जाता है, आप व्यवसायिक वातावरण का महत्व बताइए चार पांच बिंदुओं में। तो देखिए आप स्वयं सोचिए कि यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप बिजनेस किस क्षेत्र में डाल रहे हैं इसका तो विचार करेंगे। दक्षिण भारत में आप चले जाइए तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़े, उत्तर भारत में आ जाइए आप तो यहां पर ठंडी और गर्मी दोनों है। दक्षिण भारत का रहन सहन, उनका पहनावा अलग है, उत्तर भारत में रहन सहन और उनका पहनावा अलग है। जब आप बिजनेस डालेंगे अपना, खुद से होकर सोचिए तो व्यवसायिक वातावरण से आपको क्या लाभ होगा। पहला लाभ है बेटा नीति का निर्माण। यदि हमें व्यवसायिक वातावरण का ज्ञान अच्छे से होगा तो हम अपने बिजनेस के लिए ऐसी नीति का निर्माण करेंगे ताकि हमें शीघ्रता से सफलता प्राप्त हो। नंबर दो, प्रतिस्पर्धी व्यूह रचना, बड़ा कठिन है, इसको हम सरल बोले प्रतियोगिता का सामना। दो बिंदु डैश करके लिखेंगे कि आज के वर्तमान युग में जो आधुनिकता आई है उसके कारण से अनेकों अनेक कंपनियां आ चुकी हैं। एक ही प्रकार का प्रोडक्शन करने वाले, आप पेन यूज करते हैं, आप पेन में ही देख लीजिए ना, अनेक प्रकार की कंपनियों के पेन। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी प्रतिस्पर्धी, हमारी प्रतियोगिता, हमारे कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है। तो इन कॉम्पिटिटर से हमें कैसे निपटना है, ये हमें व्यवसायिक वातावरण से आसानी से सीखने को मिल जाता है। हम व्यवसायिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए अपने प्रतिस्पर्धी जो है, कॉम्पिटिटर जो है, उसके से निपटने के लिए एक अच्छी व्यूह रचना, एक अच्छी योजना बना सकते हैं। गत्यात्मक दृष्टिकोण, अब देखिए ये बड़ा कठिन पॉइंट हो गया, नाम बदल देंगे इसको, बोलेंगे गतिशील दृष्टिकोण। अब यहां पर आप देखिए गतिशील दृष्टिकोण का मतलब ये हुआ कि आज के इस वर्तमान युग में टेक्नोलॉजी नित्य बदल रही है। पहले आप देखिए फोन जो आए थे, छोटे वाले फोन आए थे, आज आप फोन की न जाने कितनी वैरायटियां हो गई। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के साथ साथ फिर क्या हुआ, रुचि फैशन में भी परिवर्तन हुआ। अच्छा, केवल मोबाइल में ये बात नहीं है, हर वस्तु में ये बात है। अब इसमें लिखना क्या है, आप गतिशील दृष्टिकोण में यही बताना है कि आज के आधुनिक युग में निरंतर टेक्नोलॉजी, रुचि फैशन, आदत, रहन सहन, इनमें नित्य परिवर्तन होते चले जाते हैं और उसी अनुसार हम व्यवसायिक वातावरण की सहायता से हमारे प्रोडक्शन तैयार करते हैं। समायोजन, अगला पॉइंट लेंगे आप समायोजन, फोर्थ नंबर की व्यवसायिक वातावरण में जो निरंतर तेजी के साथ परिवर्तन आते हैं तो हम अपने बिजनेस में भी उन व्यवसायिक वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार अपने बिजनेस में भी बदलियां करते रहते हैं। मैंने चेंजेस लाते रहते हैं, नई मशीन आ गई यदि मार्केट में तो हम अपने कारखाने में उठा के नई मशीन ला रहे हैं। इस तरीके से हम समायोजन भी करते हैं। और अब फिफ्थ नंबर का पॉइंट है उज्ज्वल भविष्य। बोले साहब उज्ज्वल भविष्य व्यवसायिक वातावरण से, बिल्कुल, यदि हम व्यवसायिक वातावरण को गहराई से उसका अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे, तो स्वाभाविक है हम अपने बिजनेस में भी उस हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे और उस एडजस्टमेंट से हमारे बिजनेस में निरंतर तरक्की होती चली जाएगी। और जब निरंतर तरक्की होगी तो हमारी कंपनी या फर्म की ख्याति भी बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से हमने आज
जो अध्ययन किया है, ये आपके पास सामने जो आए प्रश्न, उतने प्रश्नों के उत्तर भी साथ में होते चले गए और हमारे अध्ययन भी हो गया। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें बेटे, इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और ज्यादा और अधिक आपको वीडियोस बना के देंगे। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्द मैं आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र के भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहें, उसके भी वीडियोस डालना हम शुरू करें। ठीक है, नमस्कार।